का नाम है अद्भुत नाम है हालेलुया, मेरे लिए प्यारा नाम है हालेलुया, हम सभी के लिए प्यारा बहुत सारा प्यारा नाम प्रभु यीशु का नाम, सारे इस नाम में जिसे भी दाऊद के सिंहासन में बैठने वाला नाम प्रभु के यीशु मसीह का नाम हालेलुया। आज बहुत बहुत बढ़िया गाना गाया प्रभु आपको आशीष से, आपका परिवार को आशीष से।
आइए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम वचन के और जाएंगे आज वचन से सुनाने के लिए इंडिया से कुछ गोदार पास्टर विल्सन मैथ्यू हम लाइव में है। हम उनसे प्रभु का वचन हम सुनेंगे। वचन सुन के हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रभु की पवित्र आत्मा की द्वारा उससे बोलने के लिए प्रभु के दास को पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए हम प्रार्थना में बने रहेंगे। वचन सुनाने के लिए प्रभु के दास पास्टर विल्सन माती को हम पहल में स्वागत करते हैं। पास्टर विल्सन थैंक यू सो मच। आई होप यस कैन यू हियर मी नाउ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या सुन सकते हैं? Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity to share God's word. Especially want to thank Pastor Zach Chilian and all the believers who are connected through the service. विशेष तौर पर सबको परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देता हूँ कि और एक बार आपके साथ ऐसे एक ऑनलाइन के जरिया जुड़ने के लिए प्रार्थना में प्रभु के वचन के अध्ययन करने के लिए जुड़ने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि जब अमेरिका में लोग सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं लेकिन भारत देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर एक स्टेट के लिए भारत में जो है उनके लिए जो प्रार्थना करते हैं, इस बात में मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों की प्रार्थना के कारण ही जो कुछ भारत देश में जो आर्थिक सेवादाई होती है उसके पीछे आप लोगों का प्रार्थना सहयोग और उसके पीछे है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो आप सबको आशीष दे। मुझे बहुत खुशी हुआ कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो क्लिप में सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में प्रार्थना के लिए हर प्रार्थना घर खुले जाएंगे करके। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अगुओं को, ऐसे लीडर्स को परमेश्वर अमेरिका में चुन कर रखा है। आने वाले दिनों में भी अमेरिका में बहुत बड़ी आत्मिक बेदारी होने के लिए परमेश्वर सहायता करे। हमें हालेलुया आपकी प्रार्थनाओं को फिर से महाराष्ट्र या नासिक इन प्रदेशों में भी आपकी प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। मेरा नाम जैसे पास्टर ने कहा कि मेरा नाम पास्टर विल्सन मैथ्यू है। मैं अभी नासिक महाराष्ट्र में नासिक बोलकर शहर में वहां पर रहकर प्रभु की सेवगाई कर रहे हैं, स्पेशली फोकस अमॉन्ग विलेज मिनिस्ट्री। सो प्लीज यू कंटिन्यू कीप अस इन योर प्रेयर आल्सो। दिस मॉर्निंग आज सुबह मैं आपके साथ यहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम है मैंने प्रार्थना करा था कि जब मुझे पास्टर चिरियन पास्टर ने कहा कि यू हैव टू शेयर गॉड्स वर्ड, तो मैं प्रार्थना करा था कि किस विषय पर मुझे शेयर करना है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की, उसके आधार पर थोड़ा जो क्षण समय मुझे दिया गया है उस समय पर प्रभु का वचन मैं बांटना चाहूंगा। यदि कोई डिस्टर्बेंस है तो प्लीज टू कम्युनिकेट टू मी, यू नो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी ऑल ऑफ योर फेस। सो प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज सम, यू नो, डिस्टर्बेंसेस और इंटरप्शन दैट हैपेंस। सो वांट टू प्रेज गॉड। ओके, वी आर लिविंग इन, हम जो एक ऐसे बड़े संकट की परिस्थिति में जी रहे हैं, लेकिन इस संकट की परिस्थिति में भी परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। जब परमेश्वर का कार्य कभी भी थमता नहीं है, जो कुछ परमेश्वर करता है उसके बीच में उसके अंदर परमेश्वर का उद्देश्य को हम देख सकते हैं। मैं आजकल सोच रहा था कि इस संकट की परिस्थिति में कई प्रकार के मनुष्यों के प्रतिक्रियाओं को, रिस्पॉन्स को आप देख सकते हैं। यदि आप इस संकट की घड़ी में कई प्रकार के रिस्पॉन्स जो आप देखते हैं उसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो है इट्स कॉल्ड अनग्रेटफुल पीपल, ओके, दे आर पीपल हु आर अनग्रेटफुल। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर की को भलाई, परमेश्वर को धन्यवाद देते नहीं है। हम रोमियों की पत्री में ऐसे पढ़ते हैं पहला अध्याय में कि यदि वो परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर को ग्रहण ना किया, ना कि उसको धन्यवाद किया। जो परमेश्वर हर मनुष्य को जीने के लिए जो कुछ जरूरत है, वायु देता है, सूरज धार्मियों पर और दुष्टों पर भी परमेश्वर उगाता है, जीवन की जो कुछ जीने के लिए जो वस्तु चाहिए वो सारी बातें प्रबंध करने के बावजूद भी
लोग ऐसे भी झूठ लोग हैं जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, जो परमेश्वर को अक्नॉलेज नहीं करते हैं, ना उसकी भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. सो दे आर पीपल कॉल अस अनग्रेटफुल पीपल. द सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू विल फाइंड इज दे आर कॉल्ड अस सीजनल प्रेजिंग पीपल. जो अपने अनुकूल ही परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. उनके जीवन में सब कुछ भलाई हो, उनके जीवन में सब कुछ उपकार हो, उनके जीवन में सब कुछ अच्छी रीति से उनका जीवन जब जाते हैं, तभी वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं. जबकि बुरे घड़ी बुरे समय पर जब वो गुजरते हैं तो वो परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति नहीं करते. दे कॉल सीजनल प्रेजिंग पीपल. अनुकूल परिस्थिति में वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं. But there is a third group of people, that's what I call them as ever praising people. Okay? वो हमेशा लगातार परमेश्वर की स्तुति करने वाले झुंड के लोग हैं. Amen. मैं और आप उस तीसरे झुंड के लोग बनने के लिए परमेश्वर हमें हमेशा सहायता करे. Amen. Hallelujah. उसमें से परमेश्वर के वचन में उसमें उस सूची में उस लिस्ट में दाऊद बोलकर एक भक्त भी पाया गया था. David was also included in that list of people who ever praises God. जो कुछ परिस्थिति उनके जीवन में हो, वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करने वाला, ऐसा स्तुति करने के लिए निर्णय लिया हुआ एक व्यक्ति था दाऊद. जब आप भजन संहिता 34 साम्स 34 भजन संहिता 34 का पहला वाक्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होती रहेगी. आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑल द टाइम, हिज प्रेज शैल ऑलवेज बी अपॉन माय लिप्स. मैं यहोवा का धन्यवाद निरंतर करता रहूंगा, उसकी स्तुति हमेशा मेरे होठों पे होती रहेगी. दाऊद ने अपने जीवन में लिया हुआ एक कमिटमेंट, एक निर्णय था कि वो लगातार हर समय परमेश्वर की स्तुति करता रहेगा. आप जानते हैं उसकी पृष्ठभूमि, भजन संहिता 34 की जो पृष्ठभूमि जो है, आप और मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हैं. जब अभिमलेक फिलिस्ती राजा के हाथ से वो बचकर निकल पड़ा, शाऊल के हाथ से बचने के लिए भागता भागता हुआ फिलिस्तीनियों के देश में वो प्रवेश हुआ. जब वहां पर प्रवेश हुआ तो फिलिस्तीनी के जो सेना है उसको पकड़कर, दाऊद को पकड़कर अभिमलेक राजा के सामने उसको प्रस्तुत करता है. जब अभिमलेक के सामने जब खड़े होते तो लोग उसके बारे में जो तारीफ कहते हैं, तो दाऊद को जब एहसास होता है, उसको पता चलता है कि इन लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. वो कहते हैं कि शाऊल ने 1,000 को मारा तो दाऊद ने 10,000 को मारा है. एक समय पर फिलिस्तीनी लोगों को मारकर इजरायलियों को विजय देने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया हुआ एक व्यक्ति अभी पूरी फिलिस्तीनियों के हाथ में पड़ा हुआ है. प्रेज लॉर्ड. जब ये बात जब दाऊद को पता चला कि दाऊद को लग गया पता चल गया कि उसके जीवन खतरे में है, मृत्यु उसके सामने मंडला रहा है, उसे बच निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है. और दाऊद क्या करता है, बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करता है. और परमेश्वर से जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर दाऊद को वहां से बच निकलने के लिए बुद्धि देता है, उसको उसका ज्ञान देता है. दाऊद एक मूर्ख के एक पागल व्यक्ति के समान वहां पर नाटक करता है और उस नाटक के कारण अभिमलेक उसको वहां से जबरदस्ती बाहर निकालता है. वैसे शत्रु के हाथ से बच निकलकर जब वो भाग पड़ता है तो वो उस दाऊद ने गाया हुआ एक गीत है, उसने अपने जीवन में लिया हुआ एक निर्णय है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा. आई विल प्रेज द लॉर्ड ऑल द टाइम. आज मैं आप सभी को प्रोत्साहन प्रभु के वचन से देना चाहूंगा कि मैं और आप वो झूठ के लोग रहे जो परमेश्वर को हर समय करता है. इस कोरोना वायरस के इस पीड़ा के बीच में, इस संकट के बीच में, इस क्लेश के बीच में मैं और आप परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हर समय हर घड़ी परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हो पाए.
आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं? व्हाई डू वी प्रेज गॉड? व्हाट मेक्स अस टू प्रेज गॉड? कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे आप तो क्यों, किस प्रकार आप ऐसे परिस्थिति में स्तुति कर पाते हैं जब सारा संकट से घेरा हुआ है, संकट की काली बादल छाई हुई है, तो आप लोग कैसे इस संकट में परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं? दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं आपके साथ कुछ रीजन मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि क्यों एक प्रभु का भक्त परमेश्वर की स्तुति हर समय कर पाते हैं। आमेन। I just want to bring few points this morning as we look to God's word. Why, as a child of God, we are able to praise God in all seasons of our life. The Bible says in Psalm 36, verse 1. Okay, Bhajan Sangeeta 136 ka ek mein aisa kehta hai, Yehova ka dhanyavad karo kyunki wo bhala hai, uski karuna sada ki hai. Okay, God is good all the time. And His mercies endures forever. Praise God. मैं और आप परमेश्वर की हर घड़ी, हर परिस्थिति में, हर सीजन में, मैं और आप परमेश्वर की स्तुति इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं और आप जानते हैं मेरा और आपका परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, वो एक अच्छा परमेश्वर है. Praise the Lord. God is good all the time. Okay. परमेश्वर का वचन कहता है वो हर घड़ी, हर परिस्थिति में वो भला परमेश्वर है. इस कोरोना वायरस की पीड़ा के बीच में भी, संकट के बीच में भी, कष्टों के बीच में भी, मैं और आप ये बात को एहसास करते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. याकूब की पत्री कहता है, ओके, हमें हालेलुया उसका 1:17 में लिखा है, एवरी परफेक्ट एंड गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट इन होम देर इज नो वेरिएशन नो शैडो ऑफ टर्निंग. हमें हालेलुया, सारी भलाई और अच्छी जो वरदान है उस ज्योति के पिता से आती है जिसमें कोई छाया नहीं है, ना कहीं बदलता है. okay. मेरा और आपका जो परमेश्वर जो है वो हर घड़ी, हर समय एक भला परमेश्वर है. कभी कभी मुझे और आपको जब संकट से जाते समय, क्लेश में से जाते समय, मुझे और आपको ये पता नहीं चलता है कि इस संकट में क्या परमेश्वर भला कर रहा है. लेकिन एक बात मैं और आप इस बात की एहसास कर पाए, दृढ़ता से विश्वास करें कि मेरा और आपका परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. ही इज गुड ऑल द टाइम. आमेन, हालेलुया. ही विल ऑलवेज बी गुड इन ऑल सीजंस ऑफ आवर लाइफ. Praise the Lord. Why do we praise God? Because we serve a God who is good all the time. Yeah. The second reason why we praise God at all seasons of life. Yeah. Because Romans chapter 8 verse 28 says, because Bhakti Prabhu ka vachan kehta hai ki jo Parmeshwar se prem karte hai, unke liye sari baatein bhalai ke liye utpann hoti hai. Amen. All things work together for good for them that loveth God and are called according to His purpose. Why do we praise God? Because we know that our God is a God who is able to turn around all things for good for them that loveth God. कि मेरा आपका परमेश्वर जो है हर बातें भलाई के लिए मोड़ता है, भलाई के लिए उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर को मैं और आप सेवा करते हैं. Praise God. Hallelujah. वो सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न करेगा. जो आज मेरा और आपका संकट है, वो संकट के बीच में भी उसकी, आमीन हालेलुया, उसकी योजना है, परमेश्वर की, आमीन हालेलुया, कार्य है उसके अंदर भी. परमेश्वर कार्यों को जो मुझे और आपको बुराई के लिए लगता है उसको भी भलाई के लिए उत्पन्न करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है. हालेलुया. उत्पत्ति के पुस्तक में एक वाक्य जो मुझे हमेशा प्रोत्साहन देता है, आमीन हालेलुया, उत्पत्ति के पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20, आमीन, वहां पर जोसेफ, यूसुफ ऐसा कहता है, यू मेंट फॉर इविल, गॉड हैज टर्न अराउंड फॉर गुड. आपने मेरे बुराई के लिए किया लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई के लिए बदल दिया. यूसुफ के जीवन में जब यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया,
यूसुफ को बेचकर मिस्र देश में पोतीफर के घर में वो एक नौकर के समान काम किया, उसके ऊपर झूठा आरोप को लगाकर उसको बंदी गृह में डाला गया। जीवन प्रकार को छेल आखिरी में वाइफ तो परमेश्वर वो है उसकी मेरी आवाज प्रभु के कहता हूं आमीन हालेलुया। मुझे और आपको बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मुझे और आपको जो दर्शन दिया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मुझे और आपको जो प्रॉमिस दिया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में उस दर्शन को प्राप्त करने के पहले संकट या पीड़ा कष्ट से यदि आप गुजर कर जाए तो भी परमेश्वर जो दिया हुआ वायदाओं को पूरा करेगा। आमीन। यहां जो जो कहता है यू मेंट इविल फॉर मी, आपने मेरे लिए बुराई किया लेकिन मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न किया। मेरा और आपका परमेश्वर जो है मेरे और आपकी हर एक चीज को भलाई के लिए उत्पन्न करने वाला एक परमेश्वर होने के कारण मैं और आप हमेशा परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं। मैं याद करता हूं एक बार कि जो अभी परमेश्वर के साथ विश्राम करने वाला प्रभु का दास श्रेष्ठ दास रवि सक्राइस ने एक बार एक ऐसी कहानी बताया। ये कहानी बताया कि एक गांव में एक किसान था। वो किसान तो बहुत सारे घोड़े थे, तो उसमें से एक अच्छा बलवंत घोड़ा जो है वो उसका घर छोड़कर चला जाता है। जब वो घोड़ा चला जाता है तो लोगों ने उसके गांव के लोगों ने आकर उससे कहा, अरे अरे ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो गया कि तुम्हारा घोड़ा तुमसे खो गया है। तो लोगों ने बहुत बोला कि उसका दिन बहुत बुरा है, उसका समय बहुत बुरा है, ये सब बोलकर उसको ताना दिया। कुछ दिन होने के बाद ये जो घोड़ा जो उसे खो गया था, जो उसे छुप कर गया था, वो घोड़ा जंगल जाकर और कुछ जंगली घोड़ों को त्यानी तुमने कॉला होल्ड वर खेलना है, कृपया लाइन वरच रहा तो पर्सन यू आर स्पीक कैन यू ऑल हियर मी या या सुना है हेलो या बिकॉज़ देयर वाज एन इंटरप्शन हियर यस देयर वाज एन इंटरप्शन दैट्स व्हाई टू आस्क यू थैंक यू तो वो जो जंगली घोड़ा है वो घोड़ा जाकर और जंगली घोड़ों को उसके साथ में लेकर आया। जब वो घोड़ा जो खोया था वो दूसरे जंगली घोड़ाओं को भी साथ में लाया तो गांव वाले सारे जमा होकर कहा, अरे बहुत बहुत अच्छा हो गया, तुम्हें एक घोड़ा तुमसे खो गया तो वो तो वापस मिला, उसके साथ और जंगली घोड़ा भी तुम्हें उसने साथ लेकर आया। लोगों ने उसकी तारीफ किया, बहुत ताली बजाया। एक दिन वो जंगली घोड़े को ट्रेन कर रहा था तो उसमें से एक घोड़े ने उसको लात मारा, लात मारने के कारण उसके पैर फ्रैक्चर हुआ। जब ये हुआ तो लोगों ने बोला, अरे अरे ये तो तुम्हारे बहुत बुरा दिन है, तुम घोड़े को ट्रेन कर रहा था और उस ट्रेनिंग में तुम्हें घोड़े ने लात मारा, तुम्हारा पैर टूट गया। लोगों ने उसको बहुत भला बुरा बोल दिया। जब ये हुआ तो वो कहानी में ऐसे कहते हैं कि कुछ बैंडिट्स लोग उनके बैंडिट्स में रिक्रूट करने के लिए लोगों को जवानों को चुन रहा था गांव में से, तो वो गांव में निकल पड़ा तो वो जवानों को चुनते चुनते इस व्यक्ति को भी पकड़ लिया उनके बैंडिट्स में ज्वाइन कराने के लिए। जब वो चुन रहा था तो वो देखा कि ये लंगड़ा है तो इसको छोड़कर दूसरे बच्चों को दूसरे जवानों को उस गांव में से उनके उस सेना में भर्ती करने के लिए जबरदस्ती पकड़ कर लेके गया। तब गांव वाले आकर कहा, अरे भला हो गया कि तुम्हारा पैर टूटा, नहीं तो तुम भी उनके साथ उस गुट में जॉइंट हो जाते थे। तो आखिरी में वो कहानी ये ऐसा कहता है कि मनुष्य आज को देखता है, इसलिए कई बार वो अपने परिस्थिति को देख कहता है ये बुरा हुआ, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर है आपका आरंभ और आपका अंत जानने वाला परमेश्वर है।
वो परमेश्वर आज कल और युगायुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो भी बातें घटेगी वो भलाई के लिए उत्पन्न करने वाला एक परमेश्वर की सेवा और आप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मैं और आप परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि मैं और आप जानते हैं मेरा और आपका परमेश्वर भलाई के लिए सब कुछ बदलता है। यदि मेरे आवाज सुनने वाले किसी में से आप आज एक संकट की घड़ी से जा रहे हैं, कुछ कष्टों से आप गुजर कर जा रहे हैं, कभी कभी आपने शायद परमेश्वर से पूछा होगा, प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों है? विश्वास योग्यता से प्रभु आपकी सेवा कर भी, आपके लिए मैंने अपना जीवन देकर भी, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का कहता है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके संकट को आपकी बधाई के लिए उत्पन्न करने वाला एक परमेश्वर है। आप वो विश्वास करते हैं तो आपके लिए परमेश्वर वही करेगा जो वचन ने वायदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। व्हाई डू वी प्रेज गॉड? बिकॉज वी नो आवर गॉड इज गुड ऑल द टाइम। Why do we praise God? Because we know all things work together for good for them that love God. Okay. There's so many things that I want to share in this morning. Why do we praise God? But I know I have a very short, a limited time that was allotted to me. जो समय मुझे दिया था वो समय already पूरा हो रहा है. I just want to close this morning. With one more reference. Why do we praise God? Okay. In the book of Habakkuk. This is what Habakkuk said in chapter 3, verse 17 and 18. Habakkuk ऐसा कहता है, यदि अंजीर के पेड़ में फल ना हो, यदि गौशाला में भेड़ बकरी ना हो, तो भी मेरा उद्धार करता परमेश्वर की मैं स्तुति करता रहूंगा। Habakkuk ने अपने जीवन में देखा तो वो स्तुति करने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति नहीं था, क्योंकि भजन संगीता में लिखता है कि जब उनको दास मधु और गऊ जो बढ़ गए हैं तो वो लोग आनंदित हुए, लेकिन भजन संगीता लिखने का था उससे बढ़कर एक आनंद परमेश्वर तूने मुझे दिया है। कई बार लोगों को दुनिया की वेल्थ, दुनिया की कंफर्ट जब लोगों में बढ़ता है तो लोग खुश होते हैं, लोग धन्यवाद करते हैं, नहीं तो लोग आनंदित होते हैं। लेकिन हबक्कू कहता है नहीं, इवन दो द फिग ट्री मे नॉट ब्लॉसम, इवन दो द वाइन मे नॉट प्रोड्यूस इट्स फ्रूट, इवन दो द कैटल्स मे नॉट बी इन द स्टेबल द स्टॉक, येट आई विल रिजॉइस इन द गॉड ऑफ माय सेल्वेशन। मैं और आप परमेश्वर की स्तुति हर घड़ी हर समय क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया हुआ उस उद्धार को जब हम याद करते हैं, इतना बड़ा उद्धार जो परमेश्वर ने मुझे और आपको मुफ्त में दिया, लेकिन वो देने वाले व्यक्ति के लिए वो मुफ्त नहीं था। उसने उस सबसे बड़ी पीड़ा, वेदनाओं को, कष्टों को, निंदाओं को, उस क्रूस को उठाने के कारण अपने खून हालेलुया आखिरी बूंद लहू तक हमें मेरे और आपके लिए भाग कर मुझे और आपको इतना बड़ा उद्धार मुफ्त में दिया है। यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा तुम्हारे अधीन होने के कारण नहीं, मेरे नाम में बीमार चंगाई होने के कारण नहीं आनंदित करो, बल्कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, इस बात के लिए तुम स्तुति करो। मेरी आवाज सुनने वाले प्रभु के लोगों, मुझे और आपको एक रीजन है क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। संकट के घड़ी में भी, कष्टों में भी, हमें हाले जीवन के हर वेदनाओं में भी, मैं और आप परमेश्वर की स्तुति इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसने दिया हुआ उद्धार को मैं और आप याद करते हैं। तो इतना बड़ा उद्धार मुझे और आपको उसने मुफ्त में दिया। हाउ कैन आई कीप साइलेंट, हाउ कैन आई कीप क्वाइट व्हेन आई रिमेम्बर द ग्रेट सैल्वेशन दैट ही हैज फ्रीली गिवन मी। हालेलुया। हबक्कूक के समान मैं और आप कह पाए, इवन दो द फिग ट्री मे नॉट ब्लॉसम, इवन दो देयर मे बी नो फ्रूट्स इन द ओलिव, इवन दो देयर इज ऑल डिस्ट्रक्शन कायोस अराउंड ऑल अराउंड मी, येट आई विल रिजॉइस इन द गॉड ऑफ माय सेल्वेशन। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार दिया है। इसलिए मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रभु के लोगों, आने वाले दिनों में भी मेरे और आपके जीवन में हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग बने,
I mean, there are ungrateful people. There are seasonal praising people. But we should be a people who will ever praise God in all seasons of our life. May the Lord give us His grace. May the Lord help us to be people. When the Lord looks from heaven, let Him mark each one of us to be people who we can proudly say, this is a person who is ever praising me. He's ever praising people. A person. परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अवसर दिया इस वचन की शेयर करने के लिए, अवसर दिया आप सबको, विशेष इस मीटिंग को अगुवाई करने वाले प्रभु के दास को भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। आप हमें नासिक में मेरे परिवार के साथ हैं, आप हमारे विलेज मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, प्रभु हमें आने वाले दिनों में और सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपकी प्रार्थनाओं को मांगता हूँ। तो वो आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस वर्ड। आमीन।